ह्या कोपरी नौपाडा ह्याच्यामध्ये बरेचसे खड्डे असून माझ्या प्रभाग ब्लॉकमध्ये, पण ती जी एक इंटरप्रायजेस म्हणून जी कंपनी आहे खाजगी ठेकेदार, त्यांच्या वतीने वारंवार कंप्लेंट करून सुद्धा भरल्या जात नाही। हे जे ठाणे महानगरपालिका पुरस्कृत अख्ख्या ठाणे शहरात जे खड्डे निर्माण केले गेलेले आहेत, हे बुजवण्याचा आज आम्ही सर्व काँग्रेस पेरेंट्स काँग्रेस यूथ काँग्रेस आणि विविध सेलचे अध्यक्ष पदाधिकारी यांनी हा एक कृत्य उपक्रम आम्ही आज राबवलेला आहे। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। ठाणे जिले के हर इलाके के सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। इन्हीं गड्ढों के कारण लोगों की जान भी हर साल दर्जनों चली जाती है। ठाणे जिले में 9 प्रभाग समिति आता है, चाहे कोपरी पांच पखाड़ी हो या वर्तक नगर, माजीवाड़ा, राबोड़ी, कलवा, मुमरा, दीवा, इसी तरह से सभी 9 प्रभाग समिति क्षेत्रों में गड्ढों की भरमार है, जिसको लेकर आज ठाणे शहर के कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने ठाणे के 9 प्रभाग समितियों के हद में खड्डे भरो आंदोलन किया। हम आपको पहले ठाणे शहर के खड्डों की कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। पहले आप देखें ये तस्वीर, ठाणे के अलग अलग क्षेत्रों की हैं। आज इन्हीं खड्डों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खड्डे भरो आंदोलन किया। एक तरह से यह कह सकते हैं प्रशासन को जगाने का काम किया है, साथ ही चेतावनी भी दिया है। हम आपको सुनाते हैं ठाणे शहर के अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने क्या कुछ कहा है। प्रशासन क्या खुद आयुक्त तो घूम रहे थे सवेरे से खड्डे भरने के लिए, अधिकारियों को लेके, सिटी इंजीनियर थे, बाकी के अधिकारी लोग थे। हाँ, ये हमने जो आंदोलन किया है पूरे थाना भर में ये आंदोलन छेड़ा है हमने। सैकड़ों कार्यकर्ते हमारे, हजार की तादाद में हमारे कार्यकर्ते सभी जगह पर खड्डे भरने में मशगूल थे। यहाँ पे प्रशासन को मदद करने की भावना से हमने थे, और क्या है, जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि कांग्रेस भी रास्ते पर उतर सकती है टाइम आया तो, और जो प्रशासन में खमियाँ है वो दूर करने के लिए उनकी जो नज़र है वो इस पर उनका लक्ष्य वेधने के लिए हमने ये आंदोलन लिया था, और अच्छी तरह से सक्सेसफुल है ये आंदोलन। अच्छी बात है ना, अगर हमने आंदोलन, सिर्फ हमारे आंदोलन करने के आह्वान से अगर डर गए और काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कम से कम। और जब तक राजनीतिक पार्टियां ये सब काम करेंगी नहीं, तब तक दबाव बना नहीं रहेगा प्रशासन पर, लोगों के काम नहीं होते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन बनाया है राजनीतिक पार्टियों का, ये इसीलिए बनाया है कि राजनीतिक पार्टियां रहेगी तो ही ये प्रशासन काम करेगा, नहीं तो बाबू लोग काम नहीं करते। क्या प्रशासन की तरफ से बहुत फोन आए मुझे कि भाई आप आंदोलन मत कीजिए, हम खड्डे भर रहे हैं। हमने यही कहा कि ठीक है खड्डे आप भरिए, लेकिन इसके आगे ध्यान रखिए कि खड्डे पड़ने वाले रास्ते मत बनाइए, अच्छे रास्ते दीजिए लोगों को। तो आपने सुना विक्रांत चौहान ने क्या कहा। बहरहाल टीएमसी पर हर साल सवाल उठते हैं, आखिर प्रशासन हर साल खड्डे भरने का काम करती है, लेकिन एक साल भी नहीं बीतता उसके पहले ही मौतों के खड्डे, जानलेवा सड़कों पर खड्डे नजर आने लग जाते हैं। सवाल यह भी उठता है कैसा काम किया जाता है, घटिया मटेरियल का यूज किया जाता है क्या, जो हर साल बारिश के मौसम में सड़कों के गड्ढे प्रशासन की पोल खोल देती हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।